कॉफी, एक ऐसा ड्रिंक जिसे दुनिया में तमाम लोग पसंद करते हैं, जिसकी चुस्कियां हमें तरोताजा कर देती हैं, इसका स्वाद हमें भीतर तक खुश कर देता है। और आज कॉफी को पसंद करने वाले लोगों के लिए एक खास दिन है, क्योंकि आज है इंटरनेशनल कॉफी डे। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना साल 1963 में लंदन में हुई थी। इसके बाद इटली के मिलान में पहला इंटरनेशनल कॉफी डे आयोजित किया गया और तब से ही विश्व भर में आज का दिन कॉफी डे के रूप में मनाया जाता है। और हर साल इस दिन को मनाने का मकसद है कॉफी को प्रमोट करना और इसे एक ड्रिंक के तौर पर सेलिब्रेट करना। अधिकतर लोग कॉफी तब पीते हैं जब उन्हें बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होती है। इसके अलावा लोग अपने तनाव को दूर करने के लिए भी कॉफी को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। अफ्रीकी देश इथियोपिया को कॉफी की जन्मस्थली कहते हैं। हम लोगों के लिए तो केवल थकान दूर करने का नाम कॉफी है, लेकिन इथियोपिया में कोई भी कार्यक्रम बिना कॉफी के अधूरा माना जाता है। तो आइए आज वर्ल्ड कॉफी डे पर कॉफी के सबसे बड़े ठिकाने से जानते हैं कॉफी के दिलचस्प इतिहास के बारे में। इथियोपिया में पुराने समय में काल्दी नाम का चरवाहा रहता था, जो अपनी बकरियों को चराने के लिए काफा के जंगल से होकर गुजरता था। बकरी चराते समय एक दिन उसने देखा कि जमीन पर पड़ी लाल चेरियां खाने के बाद बकरियां खुशी से झूम उठी। बकरियों को झूमता देख चरवाहे ने कुछ चेरियां तोड़ी और अपनी बकरियों को खाने के लिए दी। इसके बाद जब चरवाहे ने देखा कि बकरियों को चेरियों का स्वाद अच्छा लग रहा है, तो वो चरवाहा उन चेरियों को अपने चाचा के पास ले गया। चरवाहे के चाचा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए वो मठ में रहते थे। उन्होंने मजहबी बंदिश के कारण कॉफी की चेरियों को आग में डाल दिया। चेरियों ने जैसे ही जलना शुरू किया, उसकी खुशबू नशे की तरह चढ़ने लगी। इसके बाद चरवाहे काल्दी के चाचा ने इन चेरियों का इस्तेमाल खुशबू के लिए किया। इसके बाद एक बार चरवाहे काल्दी की माँ ने आग में जले हुए चेरियों के बीज को साफ किया और ठंडा होने के लिए पानी में डाल दिया। पानी में फूलने के बाद उन बीजों से काफी तेज खुशबू आने लगी और यहीं से कॉफी पीने का चलन शुरू हुआ। बता दें कि इथियोपिया की जमीन कॉफी के लिए इतनी उपजाऊ है कि पौधे लगाए नहीं जाते, बल्कि अपने आप जमीन से उग जाते हैं। इथियोपिया के जंगल में कॉफी की 5000 से अधिक किस्में हैं। हम अभी केवल एक या दो तरह की ही कॉफी का इस्तेमाल पेय पदार्थ के लिए करते हैं। तो ये था कॉफी का स्वर्णिम इतिहास। TV9 भारतवर्ष की ओर से सभी कॉफी को पसंद करने वाले लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल कॉफी डे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,